हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कहीं भी आपको YouTube पे फ्री में देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी रोल ऑफ आईवी एंड वेगा इन ऑप्शन सेलिंग। आईवी एंड वेगा की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू मैक्सिमाइजिंग आवर प्रॉफिट इन ऑप्शन सेलिंग। जनरली क्या है कि हमें पता है कि थीटा हमारा फ्रेंड होता है, थीटा की वजह से प्रीमियम डिके होता है और रेंज बाउंड मार्केट में हम प्रीमियम डिके की वजह से प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि आईवी एंड वेगा भी हमारे फ्रेंड हो सकते हैं अगर हम इन्हें सही से यूज करें। और कब यूज करेंगे? जब हमें पता होगा कि इन्हें यूज कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको लाइव मार्केट में आईवी एंड वेगा को ट्रैक करके सही स्ट्राइक प्राइस, सही मोमेंट पे आपको ऑप्शन को सेल करना है ताकि आपको वेगा का भरपूर फायदा मिल सके। मैं आपको हर चीज प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगी और ऑप्शन चेन में कैसे ट्रैक करना है, आईवी चार्ट से आपको कैसे इसको ट्रैक करना है, इस चीज को आपको समझाऊंगी। तो आपको बस इतना करना है कि ध्यान से इस वीडियो को देखना है टिल द एंड, बस इतना काफी होगा। आपको समझ आ जाएगी हर चीज। एक बार देखिए, दो बार देखिए, तब तक देखिए जब तक समझ नहीं आ जाए, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते होंगे। तो चलिए थोड़ा सा पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको समझना क्यों जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए, आईवी एंड वेगा हम समझेंगे तो हम कब ऑप्शन को सेल करना है ये डिसाइड कर पाएंगे। कैसे? तो हमें पता होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन सेलिंग में हम प्रीमियम से डील कर रहे हैं, तो हमें पता होगा कि कब प्रीमियम लो है और कब प्रीमियम हाई है। कब प्रीमियम हाई है? तो जब हाई होगा तो हम इसको सेल कर पाएंगे। एज एन ऑप्शन सेलर हमारी क्या प्रेफरेंस होती है? ज्यादा से ज्यादा हम प्रीमियम रिसीव करें। और क्या होता है ना आईवी के साथ कि कितना भी बढ़ जाए तो प्रीमियम को बढ़ा देगा। और इसलिए हमारे ये सबसे मतलब अगर दुश्मन हो सकता है सबसे बड़ा, अगर हम इसे यूज करना नहीं जानते। और होता भी है, जिनको नहीं पता है उनको आईवी की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ता है। और ये ऑप्शन बायर का फ्रेंड होता है। क्यों? फॉर द सेम रीजन कि कितना भी ऊपर जा सकता है, और ऑप्शन सेलर्स के लिए ये दुश्मन होता है क्योंकि कितना भी ऊपर जा सकता है। लेकिन हम इसको फ्रेंड बना सकते हैं, मैं बताऊंगी कैसे। तो आईवी अगर वेगा आईवी हमें आती होगी, जनरली क्या होगा क्या कि आईवी से आईवी में जो भी चेंज होगा वो हमें वेगा से हमें वो चेंज देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो आईवी वेगा की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें पता चलेगा कब प्रीमियम कॉस्टली है, कॉस्टली से कॉस्टली हम सेल करना चाहेंगे, तो ये चीज़ हमें पता चलेगी। हम कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करें, कौन से स्ट्राइक प्राइस कॉस्टली है, कंपेयर करेंगे ग्रीक्स उस पर, और कंपेयर करके बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके सेल कर पाएंगे ताकि भरपूर हमें वेगा का, थीटा का, सबका, थीटा का तो फायदा मिले वेगा का भी मिले सही टाइम पे। कई बार आपको ऐसे इवेंट मिले, ऐसे कुछ मौके मिलेंगे, इवेंट के केस में तो आईवी का बहुत ही बड़ा मौका होता है हमारे पास आईवी का फायदा उठाने का। नॉर्मली जनरल डेज में भी आपको आईवी का फायदा उठाने का मौका मिलेगा, मैं बताऊंगी कैसे वेगा मैनेजमेंट कर पाएंगे हम अगर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। अब समझ लेते हैं कि आईवी वेगा है क्या, ये कैसे प्रीमियम को फ्लक्चुएट कराते हैं, प्रीमियम इसकी वजह से वैरी करता है बहुत ज्यादा। तो होता क्या है, आईवी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी एंड वेगा बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। आईवी में अगर 1% का चेंज होए तो वेगा की जो वैल्यू होती है उतने से प्रीमियम चेंज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आईवी है 20, ठीक है 20 मान लिया। अब माना कि इसमें 1% का इंक्रीमेंट हो गया और वेगा की वैल्यू मान ली उस वक्त उस स्ट्राइक प्राइस पे 6 मान ली। तो अब ये 1% का इंक्रीमेंट हुआ इम्प्लाइड वोलाटिलिटी में, तो आपका प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर वेगा 6 है? तो वेगा की वजह से आपका प्रीमियम चेंज होगा, 6 से बढ़ जाएगा आपका प्रीमियम। क्यों? क्योंकि ये 1% से आईवी बढ़ी है। अगर यही माइनस हुआ होता तो ये वेगा की वजह से आपका प्रीमियम, ये वेगा इतना माइनस हो जाता, ये -6 हो जाता। मतलब अगर 200 प्रीमियम होता तो ये अगर 1% से आईवी इंक्रीज होती तो 206 हो जाता, और अगर 1% डिक्रीज होती तो 194 हो जाता। ये है। अब आप इस चीज को समझ रहे हैं तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि जब आईवी ज्यादा होगी तब हम बेचेंगे। अगर यहाँ पे जब आईवी ज्यादा हो यहाँ पे हम बेचेंगे तो हम यहाँ पे फिर हम जब आईवी स्टेबलाइज होगी, क्योंकि आईवी का सिंपल सा एक रूल है, कितना भी ये ऊपर चला जाए फाइनली इसको स्टेबलाइज होना है, मेन पोजीशन पे आना है, भले ही अंडरलाइंग में ज्यादा चेंज ना हो। क्यों? क्योंकि आईवी क्राउड की एक्सपेक्टेशन, क्राउड की साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है।
तो इस वजह से ये मीन पोजीशन पे आती है, इसको स्टेबलाइज होना है। तो अगर यहाँ पे गई है तो यहाँ पे आना है, तो इस वजह से हमें वेगा का भरपूर फायदा मिलेगा, क्योंकि ये वेगा जो होगा माइनस होगा 1% से, जितना वेगा की वैल्यू उतनी माइनस होगी। तो सोचिए यहाँ पे कितना परसेंट का चेंज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ सारे ग्रीक्स थीटा डेल्टा एक तरफ, आईवी वेगा एक तरफ, वेगा एक तरफ। तो इसलिए ऑप्शन बायर्स को इस वजह से कई बार लॉस भी होता है अगर उस चीज को नहीं समझ पाते। अगर देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन बायर ने यहाँ पे बाय कर लिया तो ये सुसाइड करने जैसा है। वो डायरेक्शन वाइज करेक्ट भी हो गया ना तो भी कोई फायदा नहीं होना, हो सकता है लॉस ही होए। कई बार ऑप्शन बायर्स, उनको कईयों के साथ ऐसा होता भी है जिनको नॉलेज नहीं होता, वो बाय कर लेते हैं कभी भी और स्क्रिप मोमेंट होता है, मतलब उनके डायरेक्शन में 20-30 पॉइंट्स का मूव मिल जाए लेकिन उनके प्रीमियम में कोई नेगेटिव प्रीमियम कम ही हो जाता है और कम ही हो जाता है प्रीमियम। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, तो उनको प्रॉफिट किस चीज से होना था, किस ग्रीक से उनको प्रॉफिट होना था, डेल्टा से। लेकिन वेगा से ज्यादा, डेल्टा से जितना प्रॉफिट हुआ ना उससे ज्यादा वेगा से उनको लॉस हो गया, ये दिक्कत हो जाती है। देखिए वेगा, डेल्टा, थीटा, ये रो, ये सारी चीज़ें प्रीमियम को कैसे अफेक्ट करती हैं, कैसे प्रीमियम इनकी वजह से चेंज होता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद, इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करके कितना हो सकता है, ये मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है। मैंने इस पे वीडियो बनाई है, एक क्वेश्चन भी दिया है उसमें आपके लिए सॉल्व करने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया आईवी एंड वेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आईवी चार्ट से, हम आईवी चार्ट से कैसे देख सकते हैं। आप लाइव मार्केट में इस चीज़ को कर सकते होंगे। तो हम आ गए यहाँ पे आईवी चार्ट में। ये देखे मैंने बैंक निफ्टी ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे देखे ये आईवी चार्ट यहाँ पे, तो देखे ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको ये। अब यहाँ पे आपने अगर सेल किया होता तो देखिए ये कैसे स्टेबलाइज हुई, इंट्राडे आईवी चार्ट मैंने ओपन किया है, तो देखिए कैसे स्टेबलाइज हो करके यहाँ पे आती है। हम देख लेते हैं वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू है यहाँ पे देखिए आईवी कितनी है, 21.8, मतलब ऑलमोस्ट 22, और यहाँ पे देखिए कैसे स्टेबलाइज होकर के 19.7 पे आ गई, कितना चेंज हुआ। तो वेट अ मिनट, कुछ क्लिक हो गया। हाँ तो देखिए यहाँ पे अगर आपने सेल किया होता इस पीक पॉइंट पे तो आप देख रहे होते तो आपने इस वक्त क्या होगा, प्रीमियम्स कॉस्टली होंगे। तो ऐसे हमें मौके ढूंढने होते हैं और आपको ऐसे मौके बहुत बार मिल जाते हैं। तो वेगा की वजह से, जो थीटा की वजह से आपको प्रॉफिट होगा वो तो होगा ही, वेगा की वजह से भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, ये चीज़ होगी। तो ये समझना, अगर इतना बड़ा ना भी मिले तो ये देखे ये टाइम कितना हो रहा था, यहाँ पे टाइम भी देख लेते हैं। यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:30, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 9:30 टाइम हो रहा है, और ये टाइम जब स्टेबलाइज हुआ है कितना हो रहा है, 9:50 20 मिनट्स में। तो इस चीज़ को आप पकड़ पाते तो फिर आप प्रॉफिट बना सकते थे वेगा की वजह से, केवल वेगा की वजह से भी, थीटा तो है ही। तो देखिए स्टेबलाइज होकर के मेन पोजीशन पे फाइनली आपको दिख रहा होगा, मेन पोजीशन पे आ गई है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ भी इस पॉइंट पे भी, ये भी थोड़ा थोड़ा भी ये डिफरेंस मैटर करता है। अब यहाँ पे अगर आप सोचे यहाँ पे आप सेल करें तो यहाँ पे आपको वेगा की वजह से तो लॉस होना है ना, यहाँ पे जाना है ऊपर जब आई वी, तो आपको ये चीज़ पता होगी तब तो आप यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, आप यहाँ पे सेल करेंगे, ये चीज़ पता होगी तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको ऑप्शन चेन से भी एक बार दिखा देती हूँ, वहाँ पे स्ट्राइक वाइज, स्ट्राइक प्राइस वाइज आईवी की वैल्यू होती है। आप जनरल डेज में वहाँ पे ऑप्शन चेन से आप ट्रैक कर सकते होंगे। देखिए यहाँ पे आपको कॉलम्स दिख रहे होंगे, ये आईवी कॉलम, ये वेगा, थीटा, डेल्टा, ये सब दिख रहा होगा आपको। तो देखिए ये एट द मनी है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे देखिए आईवी वेगा की वैल्यू दी हुई है, वेगा की वैल्यू एक्सपायरी टू एक्सपायरी डिफर करती है। थीटा देखिए कितना ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी है 14 अक्टूबर, एक्सपायरी बहुत पास में है, इसलिए थीटा की वैल्यू ज़्यादा है। एक्सपायरी दूर होगी तो थीटा की वैल्यू कम होती। तो बेसिकली यहाँ पे आईवी देखिए, आईवी कितना है, 22 ऐसे। तो कई बार आपको ऐसे भी मौके मिलेंगे जब यहाँ पे आईवी होगी 28 29, ऐसे मौके मिल जाते हैं। आप वैसे अगर देख पा रहे हैं, आपको जनरली आपको क्या करना होगा पहले कि थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा। मेरे बोलने से तो आप हर चीज़ नहीं सीखने वाले हैं, आपको थोड़ी मेहनत तो आपको खुद करनी होगी
तभी आप सीख पाएंगे सही तरीके से। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, हो सकता है कभी एट द मनी के आसपास आपको ऐसे मौके मिले कि आईवी 30 हो, 31 पे सेल करने का मौका मिले, फिर स्टेबलाइज होकर 22, 21 जो जनरल होता है 20 वो आ जाती है, तो वेगा का वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। अब आप सेल कर रहे हैं जब 20 है, 20 से 29, 30 हो गई तो फिर मुश्किल हो जाना है। तो देखिए, इसीलिए जो मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करी है वेगा मैनेजमेंट पे, कि अगर एक डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा हो तो स्ट्रैडल को एडजस्ट करने के लिए हमें वेगा को मैनेज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस हम वोलाटिलिटी से प्रोटेक्ट हो जाते हैं जब हम वेगा मैनेज करते हैं, तो हम आईवी वेगा का फ़ायदा उठा पाते हैं वेगा मैनेज करते हैं। तो क्या होगा, मैंने उसमें आपको बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैंने कॉल पुट दोनों बाय किया हुआ है। मैं आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव देना चाहती थी कि जनरली डेल्टा मैनेजमेंट हम करते हैं सेल साइड से, हम डेल्टा शिफ्टिंग करते हैं, लेकिन अगर बहुत ही एक अच्छा खासा मूव हो रहा हो एक डायरेक्शन में मार्केट में, तो हम वेगा मैनेजमेंट सोच सकते हैं, हम बाय साइड में जा सकते हैं, कॉल पुट बाय करके मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बाय करने से हमें पॉजिटिव वेगा मिलेगा और हमें वेगा का फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि आईवी और वेगा हमारे फेवर में हो पाएंगे। तो इसीलिए मैंने वो वेगा मैनेजमेंट बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी, बाय करने से पॉजिटिव वेगा मिलता है, सेल करने से नेगेटिव वेगा मिलता है। आयरन फ्लाई में क्या होता है, लॉस डिफाइंड होती है आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी, क्योंकि उसमें हम बाय साइड में भी होते हैं, बाय लेग्स भी होते हैं हमारे पास, तो उसमें हमारा वेगा जो होता है वो ऑलरेडी मैनेज्ड होता है। तो ये कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस समझने का फेर है। आप चीज़ों को समझेंगे सही डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पे आप डेल्टा, आपको थीटा से कितना बेनिफिट लेना है, आईवी का कितना बेनिफिट लेना है, वेगा से कैसे बेनिफिट लेना है, आईवी वेगा तो बेसिकली रिलेटेड है, तो इस चीज़ को आप समझ पाएंगे, इस चीज़ को आप समझ पाएंगे, आप ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो एक बार वो प्रीमियम कैलकुलेशन का भी ज़रूर देख लीजिएगा ग्रीक्स पे, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वेगा मैनेजमेंट पे भी आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, स्ट्रैडल को कैसे मैनेज करना है जब एक डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा हो अच्छा खासा। तो ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑल दो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो नहीं भी शेयर करूँ तो चलेगा, हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। अगर आप स्टॉक में सेलिंग करते हैं तो थोड़ा काम आ जाएगा। जैसे देखें, ये ऑरेंज कलर की एक लाइन दिख रही होगी, ये हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी है। यहाँ पे मैं ईओडी आईवी चार्ट में आई हूँ, ये हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी है। ये पर्पल कलर वाली इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है। तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है कि अगर हिस्टोरिकल वोलाट अगर आईवी अगर एचवी से ज़्यादा हो तो क्या होता है कि प्रीमियम कॉस्टली माना जाता है। अगर एचवी आईवी से ज़्यादा हो, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, जब एचवी आईवी से ज़्यादा हो उस वक्त प्रीमियम बहुत चीप होता है, वो ऑप्शन बायर्स के लिए बेस्ट टाइमिंग होती है, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा गैप देखना होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे ये गैप ज़्यादा है, आईवी जितनी ज़्यादा हो एचवी से उतना सही है। एचवी बेसिकली क्या होती है, हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी। ये अंडरलाइंग से कैलकुलेट होती है, अंडरलाइंग वैल्यू जो होती है उससे कैलकुलेट होती है, जबकि जो आईवी होती है ये प्रीमियम से, ऑप्शन प्राइस से कैलकुलेट की जाती है। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग होती है आईवी, और ये हिस्टोरिकल डेटा लॉगरिथम फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट किया जाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, फार्मूला में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए प्रॉफिट बनाने के लिए। तो ये हिस्टोरिकल डेटा से हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करके, लॉगरिथम यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी। तो बेसिकली ये बैकवर्ड लुकिंग है, आईवी फॉरवर्ड लुकिंग है। आईवी जितना ज़्यादा हो एचवी से उतना ही ऑप्शन सेलर्स के लिए सही होता है। स्टॉक में करते हैं तो इसका आप एक बार देखेंगे तो आपको फ़ायदा हो पाएगा, बाकी तो आपको जनरल डेज में इसको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो फिर उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, उससे हमें इनकरेजमेंट मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिटेड हो सके। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि कोई भी आपसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो, क्योंकि ट्रेडिंग रैशनल्स का यही मोटिव है कि आप ट्रेडिंग रैशनल्स को समझे और रैशनल ट्रेडिंग करें। इरैशनल ट्रेडिंग करके फ्रस्ट्रेट हो करके मार्केट से किक आउट होने का कोई मतलब नहीं बनता। नेगेटिव परसेप्शन बनाने से आपको ही फिर घाटा होना है, बाकी किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। तो आप रैशनल ट्रेडिंग करें, पहले थोड़ा सीखे। सीखने पे हम बिलीव करते हैं कि सीखने पे सबका हक है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें कोशिश करते हैं कि फ्री में आपको प्रोवाइड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।